जीवन ज्योति सीजन 7 के अवसर पर एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करें सिर्फ 4,500 रुपए। लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड केवल 100 एडमिशन तक ऑफर सीमित, जल्दी कीजिएगा। माहौल अच्छा करने के लिए हम अल्लाह वालों की सोबत में अल्लाह के हुक्म को बजा लाएंगे। देश में अमन चाहते हो, शांति चाहते हो, तो किसी के पास मांगने की ज़रूरत नहीं है। शांति कौन है, शांति किससे प्राप्ति होती है? अल्लाहुम्मा अंतस्सला, ओम शांति 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 ही। शांति तो उस परवरदिगार से है, तो उसका हुक्म है हमारे लिए, सारी दुनिया के मानव के लिए उसका हुक्म है। उसका हुक्म क्या है? मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मालिक हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरी इबादत करो। और धरती पे अमन चाहते हो तो फसाद मत डालो। इंसान फसाद की जड़ है ना। मैं तू, तुझसे मुझसे, ये चले गया। सबके लिए धर्म की आवश्यकता है। जो धर्म को नहीं स्वीकार कर रहा है वो अधर्मी है। हम धर्मों को क्यों ले पड़े? वो ऐसा ये ऐसा कहने से भी बेहतर है कि हुक्मे खुदा को बजा लाने के लिए अल्लाह कयामत के दिन तक अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो कयामत के दिन तक अल्लाह के हुक्म को ले चलने के लिए भेजा है। तो हम औलिया की निस्बत में अदब सीखेंगे, आदाब सीखेंगे, हर कौम के साथ अदब से बात करेंगे। अल्लाह अपने हुक्म कहता है तू बंदों से मुंह न फेर, खून खराबा न कर, फसाद न डाल, गरीबों यतीमों का हक न मार। तो वो खालिक है, वो मालिक है, हमारा मन परिवर्तन करेगा। हमारे दिल में बुग्ज है तो बुग्ज निकालेगा, नफरत है तो नफरत निकालेगा, तो अमन अपने आप उभरेगा। जब अमन उभरेगा देश में शांति ही शांति होगी। मैं किसे भी उंगली उठाना नहीं चाहता, क्योंकि न समझ के लोगों को अल्लाह समझ दे। जालिम जुल्म कर रहा है तो अल्लाह उसे उससे हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह उसे उसे पैदा किया है, लेकिन अल्लाह हिफाजत करने वाला है ना, मालिक है वो, खालिक है। मेरी यही दुआ है कि पीर तरीकत हजरत सैयद शाह हुसैन पीर कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह की निस्बत हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। यहाँ पर लोकद मुक्ति के मार्ग वाक तकन था इस सदगुरु हुसैन पीर अवर आश्रम और आश्रय के निर्माण आगे उसकी पनाह के लिए, आदमी को इंसान बनाने के लिए, आदमी को इंसान बनाने के लिए, इंसान को अल्लाह खसारे से निकालने के लिए ऐसे खानकाओं को तामीर करने में आसानी अता फरमाया है। ये मैंने ही बनाया, ये हुक्मे खुदा है, ये हुक्मे खुदा है। इसलिए आज मोहब्बत न होती तो कुछ भी ना होता। ये मोहब्बत है, आज का जलसा जो है ये मोहब्बत का नाम देता है। यहाँ किसे भी बुलाया नहीं गया, किसे भी बुलाया नहीं गया, लेकिन वो मोहब्बत से आए हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि हम सब के दिलों में मोहब्बत, उसका प्रेम अता फरमाए। उन संतों से प्यार करना सिखाए अल्लाह हमें। जब ही देश में शांति आ सकती है, जब तक शांति नहीं आती तब तक हम सबका मालिक एक है कहकर नहीं स्वीकार करेंगे। जब हम स्वीकार करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकता का संदेश दिया वो प्रभु के अमर वाणी से दिया, वो यहीं से वहीं से नहीं दिए। वो क्या कहे? अल्लाह के हुक्म पर, प्रभु के आज्ञा पर, परमात्मा के सिवा कोई परमात्मा नहीं है। और बने परमात्मा और बने, अल्लाह एक है। कुल हु अल्लाह, कह दो मोहम्मद अल्लाह एक है। जब सात्विक और देखो सत्य विश्वासिक थे, नास्तिक भी थे, नहीं मानने वाले थे। जब उन्हें सत्य लगा तो वो सताए नहीं, वो पीछे हट गए। ये असल में नबी है, ये नकल नहीं है,
इसीलिए प्रवादी ने सब कौम के लिए सकल जनांगगळिगे दयेंदु कळुहिद प्रवादी एकत्वद संदेश कोडुवाग एकत्वद संदेश कोडुवाग परमात्मन हरतु यारु देवरिल्लंदाग परमात्मन हरतु यारु देवरिल्लंदाग नास्तिकरु एनो कल्लिंद अदानो एन बेळ्ळिद अदानो बंगारद अदानो अंदाग प्रभुविन अमरवाणियल्लि सकल जनांगगळिगे तिळियुव हागे अवनु हेगिद्दाने ओंकारियागिद्दाने अल्लाहु समद ओंकारियागिद्दाने निराकारियागिद्दाने बेनियाज है कहकर रोने लगे ये मुझे खुदा समझेंगे मैं क्या करूं तो अल्लाह करुणा निधि है दयामय है सबके लिए क्या कहा भी एक अमर वाणी उतारा लम्मी अलिद वलम्मी युलद न जनी तो नो वो न पैदा हुआ है न कोई उसे जनी है न माँ है न बाप है उसके बराबर कोई नहीं है आज वही संदेश स्वीकार करेंगे देश में शांति आएगी देश में जो लोगों में भेद है वो अपने आप चले जाएगा ये विश्वास है प्रभु हम सबको परमात्मा एक है कहने की बहाना डाल दिया तो शांति ही शांति होगी प्रभु हम सब के जीवन में सुख शांति दे ये दुआ करने के लिए आश्रम निर्माण हुआ है तो मैं सबसे दुआ करता हूँ किसी को भी उंगली ना उठाओ कोई हमें बुरा कह रहा है तो हम में झांकें हमारे गिरेवा में झांकें वो मुझे क्यों बुरा कह रहा है जब उसे अल्लाह तौफीक देगा तुम उसे पूछेंगे तो शैतान नहीं बोलने का हमें हमारा वसवसा हमें क्या करेगा गुमराह कर देगा मेरा यही संदेश है कि हज़रत सैयद शाह हुसैन पीर कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है वो रास्ता ऐसा रास्ता दिखाते हैं दूसरा मैसेज है मेरे पीर तरीकत हज़रत सैयद शाह हुसैन पीर की नस्बत में एक संदेश है प्रभु का अनुग्रह सदा सन्मार्गियों के लिए है अल्लाह की रहमत कहाँ है सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने वालों पर है चलो आज से इरादा करेंगे सिराते मुस्तकीम पर कायम रहेंगे और तीसरा मैसेज है अभी तक 3 दिन चला ना उसी पर चला प्रभु का दर्शन अवश्य है ना सबको जाना है उसका दर्शन करने उसके दर्शन की भक्ति किसे है वो दर्शन देगा वो कौन है सदाचारी भक्ति ही परमात्मा के दर्शन को योग्य है राहे हिदायत पर चलने वाला अल्लाह के दीदार के काबिल है जो राहे हिदायत पर चलेगा अल्लाह के दीदार के काबिल होगा तो दोनों जहां की कामयाबी उसे हासिल होगी कहते हुए मैं आज के जलसे में जो जितने भी आए हैं अल्लाह ताला हमें उसकी भक्ति डालकर दोनों जहां की कामयाबी ता फरमाए हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊರತು ಯಾರು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅವನೇ ಪೂಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರು ಅವನು ಕಳುಹಿದ ಪ್ರವಾದಿ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದಾದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ